प्याज किसानों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। प्याज किसानों पर दोहरी मार पड़ती दिखाई दी है। एक तरफ इस बार देश भर में मौसम के चलते जहां किसानों को काफी नुकसान हुआ, तो वहीं अब हरियाणा के नूह जिले के किसानों के लिए जलेबी नामक रोग चिंता का कारण बन गया है। बताया जा रहा है कि इस बार करीब 20,000 एकड़ में लगी प्याज की फसल में जलेबी नामक रोग लग गया है, जिसके चलते पौधे झुलसने लगे हैं। वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि यदि कृषि तथा बागवानी विभाग के अधिकारी समय रहते सक्रिय नहीं होते हैं, तो बाद में प्याज के उत्पादन को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि कृषि विभाग का कहना है कि बायर की अलाइट दवा किसानों ने डाली है, लेकिन इसका भी असर इस बीमारी पर फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं इस नुकसान से पीड़ित किसान फसल के खराब के मुआवजे की विभाग से मांग कर रहे हैं, ताकि किसानों को कुछ हद तक राहत मिल सके। पहले ही वर्षा अधिक होने से फसलें प्रभावित हुई हैं। जिन खेतों में पानी भरा रह गया, वहां पर प्याज की पौध पूरी तरह से गल चुकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उत्पादन पर इसका असर पड़ सकता है। वहीं किसानों का कहना है कि 3,000 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक का बीज खरीदा गया था। एक एकड़ में 12 क्विंटल बीज लगाया है, जिससे जुताई व खाद को मिलाकर एक किसान का एक एकड़ में करीब 75 से 80 हजार रुपए खर्च आता है। वहीं विभाग किसानों को एक एकड़ पर 8 या 5 एकड़ पर 40,000 रुपए की सब्सिडी दे रहा है, जिससे नुकसान की भी भरपाई नहीं हो पा रही। नूह जिले के कई गांव इस समस्या से जूझ रहे हैं। खेड़ली कला, मोहलाका, बसई खान ज्यादा व झिमरावट गाँव में लगी प्याज की फसल में जलेबी नामक रोग लगने से भारी नुकसान दर्ज किया गया है। वहीं किसान इस नुकसान का कारण अधिक वर्षा होने को भी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।